अब ये खबर सुन के आपको हंसी आ जाएगी कि बागेश्वर धाम के बाबा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मारने की धमकी दी है। यानी जो बाबा किसी के चाचा, ताऊ, भतीजी, तमाम लोगों के नाम बिना बताए जान लेता है, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है और रिपोर्ट में वो बाबा उस व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं कर पाता और अज्ञात व्यक्ति के नाम से FIR दर्ज करवाता है। चमत्कार इस क्षेत्र में दिखाओ ना, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियां आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि बागेश्वर बाबा के भाई ने FIR दर्ज कराई है कि किसी अज्ञात यानी कि अनजाने आदमी ने बाबा को मारने की धमकी दी है। इस तरह यह साबित हुआ कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है और वो पाखंडी है। चलिए अब इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने अपने काम, अब धंधे पर यानी कि पढ़ाई लिखाई पर लौट जाएं। मतलब प्रोफेसर श्याम मानव का दावा सही निकला और बाबा ने ये खुद ही सिद्ध कर दिया कि उनको इस प्रकार की कोई दिव्य शक्ति उनके पास में नहीं है और वो नहीं जान पाए कि उन्हें खुद किसने जान से मारने की धमकी दी, वो नाम नहीं बता पाए। तो फिर क्यों ना हम भी वापस आ जाएं, वाकई जैसा कि दिलीप मंडल जी कहते हैं कि हम अपने मेन मुद्दों पर वापस आ जाएं और फिर से रोज़गार और तमाम जो शिक्षा की बात है, जातिवार जनगणना की बात है, तमाम इन मुद्दों पर वापस फिर से फोकस करें और इन मुद्दों पर लग जाएं। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो, अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है।